हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल। इतना तारीफ और उतना आसान नहीं है, कर दिखाया। बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुति दी, इसीलिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना। तो सेल्स मैन से पा जाता है। मंच में उपस्थित आदरणीय जितेंद्र छोटा जी, आदरणीय दालचंद दीवानी जी, इससे पहले हमारे बीच बैठे बहुत ही वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री दीपमल अग्रवाल जी, आदरणीय कुलदीप गुंडेला जी, महापौर प्रमोद दुबे जी, विकास उपाध्याय जी, आदरणीय पूरनलाल जी अग्रवाल, आदरणीय कमल सागर जी, आदरणीय राम गोपाल अग्रवाल जी, आदरणीय प्रकाश अग्रवाल जी, आदरणीय जय सिंह जी, अग्रवाल जी, रमेश गांधी जी, महेंद्र सिंह जी, अश्विन गर्ग जी, अरविंद जैन जी, भाई गिरीश दयानंद जी, आदरणीय रमेश रानी जी, और सभी उपस्थित सभी संगठन से जुड़े हुए साथीगण और आदरणीय रामचंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय धाड़ीवाल जी, सभी को मैं नमन करता हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि जी चैम्बर में मुख्यमंत्री पहली बार आए, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा नहीं कि अतिशय कुछ बातें हैं, आज देश और दुनिया से हम लोग पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे उद्योग में यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार करता है तो यहाँ से उद्योगपति, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के कर्मचारियों के चेहरे में चमक आ जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहीं गिरा तो चेहरे मुरझा जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय के साथ राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं घटती हैं उसे हम लोग अप्रभावित नहीं हो और प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन आज जो देश के हालात है, परिस्थिति है कि कोई अंधी गली घुस गया और पीछे से सांड आ गया है, अभी स्थिति करीब करीब नहीं है। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। बिना बोले सजा पा रहे हैं तो फिर बोल क्यों दुश्मन बोल रहे हैं। खैर मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप को छत्तीसगढ़ करके सीमित रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से बातें रखी गई और हम लोग भी अनुभव करते हैं, मुझे एक बात याद आ रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा का घेराव करते थे, कभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते थे, मेजबान जी क्या कभी कभार गए हमारे। कुछ मुद्दे थे, जैसे हमने कहा कि मनरेगा फिर से शुरू होना चाहिए, 17 करोड़ का बजट आवंटन छत्तीसगढ़ को मिलता है और वो रुक रहा है, और ऐसी स्थिति में व्यापारियों से हमें समर्थन मांगा और उस समय गिरीश देवानंद जी ने यहाँ फोन किया चैम्बर में, नहीं उन्होंने समझाया कि 1700 करोड़ यदि मजदूरों को मिलता है तो पैसा तो व्यापारियों के पास ही जाएगा, व्यापार ही चलने वाला है। तो मजदूरों की मांग पर, मजदूरों के समर्थन के चैम्बर ने समर्थन किया है, पहली घटना। और इस बात से एक बात बहुत स्पष्ट समझा जा सकता है कि आप कितना भी उत्पादन कर लें, कितना भी बढ़िया सामान बना लें, कितने भी बढ़िया दुकान आप सजा लें, लेकिन यदि ग्राहक के पास पैसा ना हो, नोटबंदी समय स्थिति क्या थी, ट्रेन चल रही थी, पैसा नहीं था,
होटल में जमात थे लेकिन जेब में जो नोट था वो चल नहीं रहा था, वो बेच नहीं पा रहा था, खरीद नहीं खा नहीं पा रहे थे। तो आज की स्थिति वही है, यदि व्यापारी उद्योगपति उत्पादन कर ले, व्यापारी अपनी दुकान में सामान भरा ले, और यदि ग्राहक के पास उसके जेब में पैसा ना हो, उसकी आवश्यकता होते हुए भी, तो फिर व्यापार नहीं चल सकता, व्यापार नहीं चलेगा तो उद्योग नहीं चल सकता। ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और इस सबको मिलकर एक सर्कल बनता है। तो सबसे जरूरी है कि ग्राहक के जेब में पैसा हो। तो सबसे पहले हमने वही किया कि रेल माफी किया और 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद किया, तो 2000 करोड़ रुपए। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा हमारे प्रदेश में जो भी मंदी का दौर चल रहा है उससे प्रभाव कम पड़ा है। कुछ सेक्टर में तो जबरदस्त इजाफा हुआ, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, पूरे देश भर में गिरावट आ रही है। केवल प्लांट बंद नहीं हुए हैं, चाहे जमशेदपुर में चल रहे हैं, चाहे वो मारुति में चल रहे हैं, जहां फैक्ट्रियां बंद हो रही है। फैक्ट्री बंद होने की बात छोड़ दीजिए, जो आपके जो शोरूम है वो भी बंद, उसके सटल गिरने शुरू हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं आई। उसका कारण है कि आपके ग्राहक की जेब में पैसा है तभी तो खरीद पाया। हमने कहा ये जो चक्का जो रुक गया है, थमसा गया है, उसे घुमाने का काम, तो भाई पहली बार तो धक्का ज्यादा जोर से देना पड़ता है, तो वो उसे धक्का देने में कसम 30,000 करोड़ लग गया। इसी प्रकार से देखिए, आज जो इस 8 महीने के कम समय में छोटे छोटे जो काम हम लोगों ने किए उसका रिजल्ट दिखने लगा है। हमने कहा छोटे प्रकार की रजिस्ट्री 10 साल से बंद थे, हमने शुरू कर दिया। उसका मतलब क्या है, केवल एक व्यक्ति बेच दिया और दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया, यही तो डिसिप्लिन नहीं है। वो एक व्यक्ति बेचा तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, चाहे वो अपने लड़की की शादी करे, चाहे अपना व्यापार करना चाहे, या कोई कर्जा है उसको चुकाना चाहे, वो कर लिया, वो भी खुश हो गया। दूसरा जिसने खरीदा वो भी खुश है, 10 साल से मैं रुका हुआ था, मेरी रजिस्ट्री हो गई। लेकिन बात यही तक नहीं रुकती, जब वो मकान बनाने जाता है, मकान बनाता है तो रेत भी बिकता है, गिट्टी भी बिकता है, सीमेंट भी बिकता है, छड़ भी बिकता है, और लोगों को रोजगार भी मिलता है, जो मजदूर उसको रोजगार भी मिलता है। एक छोटे से जो कार्य है उसका फर्क कितना पड़ता है, 2 आदमी फायदा नहीं होता, 2 ही लोग खुश नहीं होते, बल्कि उससे 20 लोगों को फायदा होता है। फिर साथियों ने मांग की कि भाई जो कलेक्टर रेट पे जो 10 जो रजिस्ट्री गाइडलाइन है उसमें कम की जाए, हमें 30% कम कर दी। उसका ये कारण बाकी है, छोटे कार के रजिस्ट्री के इफेक्ट तो आ गए, लेकिन अभी 30% इफेक्ट आना बाकी है, लेकिन वो आएगा। फिर जो 4% था, फिर आपको मनमान किया, आप गए थे आप सब, तो फिर उसको 2% कर दिए, जो वैसे भी जो भी मकान बने हुए उसके उसको हमने कम किया। उसी प्रकार से नजूर पट्टे हैं उसको भी हम लोगों ने फ्री होल्ड करने का प्रावधान किया है। जब फ्री होल्ड करेंगे तो निश्चित रूप से और भी निर्माण के काम शुरू होंगे, क्योंकि जैसे कि बताया कि उसके नाम से मकान तो रहेगी, उसे जमीन तो है नहीं, वो लोन भी नहीं ले पाता। जो फ्री होल्ड करेंगे छोटे, जिसका हमने अभी तक फैसला किया उसके बारे में बात कर रहा हूं, आबादी को भी फ्री होल्ड कर दे उसका भी प्रावधान उन्हें दिया है। पुराने कब्जे के आधार पर पट्टा बनाना है, जमीन तो कब्जे में है ना, सरकार खाली करा पा रही है ना, वो कुछ कर पा रहा है, बंद हो गया मकान लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसको हम उसको भी हम पट्टा देने का फैसला। शहरी क्षेत्र में 7500 वर्ग फीट तक के शासकीय भूमि का आवंटन करने का अधिकार हमने कलेक्टर को दे दिया, इसके पहले तक नहीं था, यह अब हमने किया है।
मिनिस्ट्री प्लांट में अभी विद्युत दर कमी की है, बड़े लोग थोड़ा लाइन है। हमने कहा कि जिसके पास खुद के पावर प्लांट है उसे क्यों छूट नहीं देना चाहिए। अब जो बात आपने कही उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जब आप सब ने मुझे विभिन्न होटल में का सम्मान किया था उसी दिन मैंने कहा था ये उद्योग विभाग आपके सहूलियत के लिए है, आपके लिए है। इसमें से कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपको परेशान करे तो बताइए, मैं उसको तत्काल हटा दूंगा। ये विभाग और फिर आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं? आपने कैसे मान लिया कि मैं आपके साथ तैराया जवाब कर रहा हूं? 2,80,00,000 छत्तीसगढ़ में जो निवास करते हैं वो हम सब सबका प्रतिनिधित्व करते हैं और सबका विकास करना चाहते हैं। सबको, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे वो छोटे उद्योगपति हो, चाहे बड़े उद्योगपति हो, सबको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। क्योंकि जब तक कि सबको आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए आपके मन में यदि कोई भी थोड़ी भी कहीं कसक हो वो दिमाग से निकाल दीजिए। ये सरकार आपकी अपनी सरकार है। वर्तमान में जो कोर सेक्टर में स्टील सीमेंट से संबंधित उद्योग में जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है, अभी तक क्या आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, किसी कोई आवेदन नहीं मिल रहा किसी जिले में। ये आज नई समाचार सुने हैं कि रायपुर दुर्ग में एनजीटी ने उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एनजीटी अपनी बात रखेंगे, यहाँ के नहीं उद्योग कर सकते। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है इसको हटाया जाकर उद्योग की स्थापना के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे। अभी तक के सभी रिस्ट्रिक्टेड कोई आवेदन नहीं लिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछली सरकार में कितने एमयू किए, कितने आए, कितने नहीं आए, लेकिन मैं पहली बैठक में आचार्यों से जरूर पूछा था, भैया जितने एमयू हुए वो क्यों नहीं आए उसकी जानकारी ले लो ताकि उनको जाकर बुलाए। जिन्होंने भी किया उसे बुलाया तो हम अपनी तरफ से क्यों नहीं आए हमारे यहाँ एमयू बहुत हुए। सरकार तो सरकार है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो चाहे कोई मुख्यमंत्री हो। यदि आपने एमयू किया तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आपने किया था, लेकिन उद्योग कोई नहीं आए तो हमने कहा भाई उद्योग क्यों नहीं आए, पसंद करिए। तीन कारण, तीन कौन सा कारण थे? क्या राज्य सरकार के अधिकारी उदासीन थे, या यहाँ के कायदे कानून ज्यादा जटिल हो गए थे, या फिर अब यह उद्योग लगाना हानिकारक है, तो क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी दे लें। और एक जानकारी लेके यदि कोई बात यदि है उसे दूर करने का काम करें ताकि जो एमयू है वो आए तो सही। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु निर्धारित जो दर है, दर में 30% की कमी की जाएगी। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में भू आवंटन की जो दर है उसमें 30% की कमी की जाएगी। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूमि पे जो लीज रेंट है जो 3% किया जा रहा है उसे घटाकर 2% किया जा रहा है। उद्योग की स्थापना हेतु सभी प्रकार के क्लीयरेंस समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराने हेतु सिंगल विंडो, जिसकी मांग आप कर रहे थे, वो सिंगल विंडो सिस्टम है, उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ में ताकि उद्योग कराने वाले वर्तमान में उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध न होने के कारण से नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। सभी जिले
जिला उद्योग केंद्रों में नए आयोजन लिए जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर भूमि आवंटन उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। जो मैंने पहले बात कही, 10 वर्ष से अधिक अवधि अध्याय से सुने, 10 वर्ष से अधिक अवधि से संचालित 2 हेक्टर तक के उद्योगों की भूमि को फ्री होल्ड की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में जो गोदाम आप संचालित कर रहे हैं उसकी भी नियमितीकरण किया जाएगा। उसकी भी नियमितीकरण किया जाएगा। औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण में जब एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति भेजता है तो हस्तांतरण शुल्क में भी कमी की जाएगी तथा प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। आवंटित भूमि के आंशिक हस्तांतरण सब लीज के प्रावधान किए जाएंगे। उद्योगों के पास अब इसको थोड़ा और ध्यान से उद्योगों के पास उपलब्ध रिक्त भूमि आवंटन पश्चात उद्योग की स्थापना न होने की दशा में उद्योग की स्थापना हेतु अधिकतम 1 वर्ष के अंतिम अवसर दिया जाएगा तत्पश्चात भूमि आवंटन दरों पर वापस लेकर अन्य पात्र उद्यमों को दी जाएगी। वर्तमान में भाई 9 अभी तक घोषणा नहीं कर दी है। वर्तमान में एक श्रमिक होने पर भी छोटे व्यापारियों को गुमास्ता लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है, ठीक है, जिसे बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरों की संख्या 10 की जाएगी। फैक्ट्री एक्ट में विद्युत से संचालित उद्योगों में 10 या अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले तथा बिना पावर के उपयोग से संचालित उद्योगों में पावर संचालित उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम संख्या 20 से बढ़ाकर 40 का प्रस्ताव भारत सरकार का है। भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, एक प्रस्ताव हम भेजेंगे। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा रेस्क्यू बेबी सेंटर, लाइफ विटिंसिया, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना बदहस भी ऐसे